भाई ये क्या है भाई? This is Tiffin. आप जाना मैं थारे लिए पालक की दाल और शाही बिरयानी बना के लाई हूँ. देखिए मछुआरा, हम ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाते हैं. क्यों? क्योंकि हम चटोरे हैं ना. मतलब अगर आप गोलगप्पे, पुरीने की चाट या फिर जलजीरा, या मेरा मतलब है कि शेव पूरी, आलू पूरी, भेल पूरी, ऐसे टाइप की पूरी टाइप की कोई चीजें लाती जो तीखी हैं इन नेचर, हम झट से खा जाते क्योंकि हम चटोरे हैं ना. बल्कि चाट तो हमें खुद फुटक फुटक के कहती है, बेटा हनुमान आओ और हमें खाओ, क्योंकि हम चटोरे हैं ना. वैसे आपको बाई चांस अदरक या पुदीने की चटनी टाइप की आइटम बनाना आती है? भाई मन ने तो सिर्फ लोगों की चटनी बनाना आवे. ओहो, फिर हम कैसे खा पाएंगे भाई? हम आदमियों को थोड़ी खाते हैं, हमारी तो चटनी ही पटनी. तो मैं जो योग खाना बना के लाई हूँ इतनी मेहनत से, इसका केक रूं? आप इसे खा लीजिए, वैसे भी आपको खाने की काफी जरूरत है, पटनी हो गई है, वेरी गुड. वैसे अब हम चलते हैं, हमारा चाट खाने का वक्त हो गया है क्योंकि हम चटोरे हैं ना. अरे अरे चल तो रहा है ना, अरे काम तो छोड़िए. अरे छोड़ो, आज तो मैं FIR लिखवा के रहूंगी तुम्हारा. नहीं, इस औरत ने इन दोनों का कान क्यों उमेड़ा है? मुझे तो लगता है इन दोनों ने इसे मिलके छेड़ा है. इनके खिलाफ FIR लिखिए. वैसे मैडम ये तो बताइए, इन दोनों ने आपको छेड़ा कहाँ पे? झाड़ियों के पीछे, पर्वत के नीचे, बिजली की कड़क या सुनसान सड़क? हाँ भाई, भाभी जी, भाई आप कौन हो रही हैं और यो देवर आपके, यो कौन से हैं? जी मेरा नाम है डॉक्टर लखन लखोटिया, लड़खड़ा के. और तू भाई किस गांव से भगा आ रहा तू? हम हैं चट्टू चटपटिया, खिलाऊं क्या? भाई यो है ना हमारा डंडा से, यो खिलाऊं के? आप गलत समझ रही है मैडम, हम चाट वाला हूँ ना, इसलिए कहने की आदत पड़ गई है, खिलाऊं क्या? भाई मैटर के हो रहा? मैटर नहीं मैडम, मटर. मेरे पति है ना बहुत चटोरे हैं, चाट देख के उनसे रहा ही नहीं जाता. इसकी चाट खाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं. फिर ये डॉक्टर लखोटिया, ये उन्हें उठा के ले जाता है, दवाइयाँ देता है, फिर वो ठीक हो जाते. इतना टोकरा भर भर के उनको मैं डांटती हूँ, लेकिन वो है ना कि चाट खाने से बाज ही नहीं आते. मुझे तो लगता है ये दोनों मिले हुए हैं. भाई भाभी जी, सबसे पहली बात जो है ना, मैंने यो बताओ कि आप जो कह रही हैं ना हैंडा भर भर के आप जो है अपने पति ने डांटती हैं ना, तो इतनी डांट फटकार सुनने के बाद भी वो आपके साथ रह ले बे ना, आपसे रूट के कतई चला ना जाता वो. अरे वो जाएंगे कहाँ, जब वो बीमार पड़ते हैं ना तो मैं ही उनकी सेवा करती हूँ. माथे पे बर्फ की पट्टियाँ रखती हूँ, दवाइयाँ खिलाती हूँ, बालों को सहलाती हूँ, फिर वो कैसे जाएंगे मुझे छोड़ के? वाह, व्हाट अ मॉडल इंडियन कंप्राइज्ड बहू. भाई मैडम आई एम थोरली इम्प्रेस्ड. आप जो है ना अपने घर को जाओ, हमारे भाई साहब की जो है दबा दारू करो. आपके इन दो भाई साहबों की जो दबा दारू है ना वो मैं कर लूंगी. चलो निकलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग, प्लीज नाइस मीटिंग, बाय बाय. मैडम हम बेकसूर है, हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है. ओ भाभी जी सच कह रही थी, हम दोनों की साइटिंग है मैडम. हाँ, ये चाट बनाता है और मैं इसे उसमें दवाई मिलाने के लिए देता हूँ, जिसे खाकर आदमी गिर जाए और सीधा मेरे क्लिनिक में आ जाए. मैं उसका इलाज करता हूँ और फिर तगड़ी फीस वसूल करता हूँ. प्लीज गाइड देम टू द लॉकअप. इधर, दैट वे, चलो. मैडम सुलग रही हूँ मैं. अरे एक वो छोरी से ना जिसका पति दिन भर चाट खावे, फिर उसकी डांट खावे और फिर भी उसी के साथ रहवे, और एक महारा मक्खन सिंह ना दिन रात चाट खावे और मारी डांट भी खावे और फिर भी मारे हाथ कोई ना आ रहा. मैडम आप तो एक नंबर की भोली हैं मैडम. अरे मैडम आपको याद नहीं उस औरत ने क्या कहा था? उस औरत ने कहा था कि उसके पति चाट खाते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, तब वो औरत अपने पति की सेवा करती है, उसके सर पे भीगी भीगी पट्टियां रखती है, उसके सर को सहलाती है, उसका ख्याल रखती है. मैडम सेवा से ही सब कुछ होता है मैडम. मम्मी जी गुलगुले ये कहना चाहता है अगर आप भी सर जी की सेवा करें फिर उनको आपके जाल में फंसने से, मतलब आपसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता. आ रहा है मैडम, आ रहा है. मेरे दिमाग में आपका एक जग्गू जुगाड़ू सेहत बिगाड़ू आइडिया आ रहा है. अरे तो यो पूरा डंबल थारे मुंह में ठूस दूंगी, अरे थारी तबीयत बिगाड़ दूंगी, फिर देगा तू आइडिया.
अरे सुनिए तो ना, पप्पी ले ले तुम्हारी, पप्पी ले ले। मैं देता हूँ आइडिया। तू हमारे बच्चों की फैंसी ड्रेस कंपटीशन की ड्रेस सिलेगा तू। वेरी गुड। क्या? हाँ। अरे लेकिन नहीं, नो लेकिन नो बट, ओनली फटाफट, वरना मैडम तुम्हें कर देंगी सफाचट। वाह भैया साना, कि मारे ठाणे की देखो छोरी भी कितनी बड़ी होगी। वेरी गुड बेटा, इसी बात पे तू जो है बाहर जाके इमली बट्टी खा ले चल। वहां ना दे, वो स्पाइडरमैन की बेटी से, तू मारी बात सुन। ऐसा ना, तू बनाएगा चाट और तू डॉक्टर, तू उसमें झाड़ेगा अपनी डॉक्टरी। मन ने मक्खन सिंह ना किसी भी सूरत में बीमार चाहिए बस। बीमार? लेकिन उन्हें बीमार करके हमारा क्या फायदा? फायदा ये कि अगर तुम दोनों ने ये काम कर दिखाया तो तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। इब तो मन ने मक्खन सिंह की सेवा करने से कोई ना रोक सका। हम तो चटोरी, हम तो चटोरी। सर क्या? चाट। किसे? किसी को नहीं सर, ये आपके लिए चाट लाया हूँ सर, ये प्लीज खाइए। ओह चाट, खाइए ना सर, खाइए प्लीज। डोंट माइंड। अरे प्लीज प्लीज सर, लीजिए लीजिए। कंफ्यूजन। एक मिनट भाई, हमारे एक्सपीरियंस में अगर बिना बरसात के मेंढक टर्राए या बिना ढीली हुई चारपाई अगर चर चर करके बोले या बिना हवा चले अगर शनन शनन छाए छाए कानों में सुनाई दे तो जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है नहीं सर, गड़बड़ तो हो चुकी है सर। सर बचपन में मेरे से एक लड़की फंसी थी, अब मेरा मतलब है बचपन में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सर, गुल्ली। ओहो, गुल्ली और तुम डंडा। वही तो नहीं हो पाया सर। सर गुल्ली मेरे बचपन की मोहब्बत थी सर। सर उसे चाट बहुत पसंद थी। एक बार गुल्ली चटोरन को उसके माँ बाप ने चाट खाने के लिए चवन्नी नहीं दी तो गुल्ली अपने घर से ऐसी भागी कि आज तक नहीं लौटी सर। सर आज ही का वो मनहूस दिन था सर जब गुल्ली अपने घर से भागी थी, इसलिए हर साल आज के दिन मैं किसी को अपनी गुल्ली बनाकर उसे चाट जरूर खिलाता हूँ सर। और आज आज आप ही मेरी गुल्ली है सर। क्या बकवास कर रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब है सर कि आज प्लीज मेरे लिए आज ये आप चाट खा लीजिए सर प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ठूको मत, ठूक आ रही है इस पे। वैसे हमें तुम्हारे इमोशन से लेना प्लस देना बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि चाट है, मतलब जब भी चाट हमारे सामने आ जाती है हम भैया मजबूर से हो जाते हैं क्योंकि हम चटोरे हैं। तुम खा लो प्लीज सर, प्लीज आइए ना। तुम खाओगे? आप खाइए ना सर, आप ही के लिए लाए हो सर। डोंट माइंड, नॉट एट ऑल। भाई साहब, काफी सालों के बाद ऐसी चाट खाने को मिली है। दिखार है, थोड़ी नींद सी आ रही है, हम थोड़ा सो जाए। मैडम मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है लड़खड़ा के। मैडम 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 मैडम, मेरे पास और एक फॉर्मूला है मैडम लड़खड़ा के। इससे तो कोई भी नहीं बच सकता है। बस मक्खन सिंह, ईब तो थारी सेवा करने से मन ने कोई ना रोक सके। सर क्या है? चाट किसे? किसी नहीं सर, पापड़ी चाट। चाट चाट सर ना मत कीजिए प्लीज, खाओ इसको भी खाओ। भाई वैसे तो जब चाट हमारे सामने आ जाती है हमसे कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन भाई कुछ नहीं डैडी जी, आज आपको ये चाट खानी पड़ेगी। डैडी जी ये चाट नहीं, मेरा इमोशन है जी। तुम्हारा मोशन? मोशन नहीं जी, इमोशन।
डैडी जी, मेरी एक मौसी होती थी लप्पी लूथरा, जो बहुत ही चिटोरी थी। वो बिना खाट के तो रह सकती थी, लेकिन बिना चाट के नहीं रह सकती थी। वो जी मेरे को ना गोद में उठा के ना जी। तुम्हें? हाँ जी, मतलब जब मैं बहुत छोटा था जी, वो मुझे गोद में उठा के ना जी राम रतन चाट वाले के पास ले जाती थी, और वहां जाके वो पेट भर के चाट खाती थी जी। बस इन्हीं चाट के चक्करों में ना जी एक दिन वो राम रतन चाट वाला मेरी लप्पी मौसी को लेके चट हो गया। सर, वो आज ही का दिन है, इसीलिए हर साल मैं आज ही के दिन किसी को मौसी बना के चाट के लाता हूँ। आज आप मेरी लप्पी मौसी बन जाइए। माल है? हाँ जी है, ये लीजिए सर। सर आप खाइए, बस ना मत कीजिए, खाइए। भाई मजा आ गया, नींद आ रही है। There is no need to worry, बेकार था। कहाँ है भाई? सर आप यहीं हैं सर, इसी दुनिया में। पिछले 2 घंटे से, मेरा मतलब है पिछले 2 दिनों से और 2 रातों से आप यहीं पर बेहोश पड़े हैं सर। हाँ जी जी डैडी जी, मम्मी जी 2 दिन और 2 रातों से सो ही नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा में खोई हुई है। सर वो तो भला हो इस औरत का जिसके सावित्री पने की वजह से आज आप जिंदा हैं सर। सर एक वो सावित्री थी जिसने सत्यवान की जान बचाई थी यमराज से, और आज ये सावित्री है जिसने हनुमान की जान बचाई है सर। पिछले 2 दिन 2 रातों से ये पट्टियां पानी में भिगो भिगो कर आपके सर पे लगा रही है। इस चौकी की टंकी खाली हो गई है सर, तो बाथरूम इज स्टिंकिंग। ना गुलगुले, ठंडे ज्यादा ना बोल। मैडम आज मत रोकिए मुझे, मैडम आज मत रोकिए, आज मैं बोल के रहूंगा। दुनिया भर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था सर, कुछ ने तो सवाल भी पूछ लिया था। हैं? हाँ जी डैडी जी, आपका टिकट कट चुका था, डब्बा खुल चुका था, घी जम चुका था, नल टूट चुका था। नहीं, आपने हमेशा किया मैडम का अपमान, जबकि इन्होंने ही बचाया आपकी जान। आए, मिस्टर अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अगर ये लोग जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं तो आपने हम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है मिस्टर अल्लाह। अरे हम आपको हमेशा जंगली जलेबी मानते थे, लेकिन आप तो मीठी मरती निकली मिस्टर अल्लाह। मांगिए मांगिए, मुंह फाड़ के मांगिए, बताइए आपको कौन सी महंगी से महंगी चीज हम खरीद के ला सकते हैं, बोलिए मिस्टर अल्लाह बोलिए। ना भाई, बोलने को तो बोल दूं, पर तू कहीं पलटी तो ना मार जाएगा। मिस्टर अल्लाह आज हम पलटेंगे नहीं बल्कि अल्टेंगे। आप बस बोलिए आपको कौन सी चीज चाहिए। अगर हमारे पैसे कम पड़ गए हम इन बेचारों की पगार खर्च देंगे, लेकिन
हाँ बताइए आपको कौन सी महंगी चीज चाहिए। मरना चाहिए शादी थारे साथ कल इस चौकी में। अरे भाई काफी कमजोरी सी महसूस हो रही है, लगता है इस बारी मिस्टर डाला ने हमें शादी के चक्कर में फंसा ही दिया। चट्टू जी ये सब क्या हो रहा है? शादी? अरे वो तो हमें ही पता है यार, और हम वही बता रहे हैं कि मैडम खुद तो शादी कर रही हैं और हमें यहाँ भूल गई हैं लड़खड़ा के। अरे संभल के, वो तो ये भी भूल चुकी है कि अगर हम मदद नहीं करते तो ये शादी होती ही नहीं। हाँ कह रही थी कि एक बार शादी तय हो जाए तो तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे अब तो डेकोरेशन हो गया है, शादी भी हो जाएगी। हमें तो ये उस टाइप की औरत लगती है जो शादी के बाद सीधे जाएगी हनीमून पर, दो से तीन होके आएगी ए? और हमने खामखाउस इंस्पेक्टर की चाट में दवाई मिला दी और बीमार कर दिया। सिंह ना भी शादी करने का टाइम हो रहा, तू खाना निकाल के बैठा है। भैया एक बार फिर हो जान दे, फिर ठूस ठूस के खिलाऊंगी मैं तन्ने। और ओ तुम दोनों, ना हमारे डैडी की शादी हो रही है जो बाहर आ गए लॉकअप से, किसने निकाला इन्हें? इन्हें हम बाहर लाए और आपने काफी अच्छी तैयारी करी है हमें फंसाने की। इस बात का क्या मतलब हो रहा मक्खन सिंह? शर्मानी चाहिए आपको, आप अपनी वासना में इतनी लिप्त हो गई है कि आप तो हमें लुप्त करने के चक्कर में थी। बकवास बंद कर मक्खन सिंह। मिस्टर डाला हमें सब कुछ सच सच पता लग गया है कि कैसे आपने इससे चार्ट बनवाई और इस डॉक्टर से इस चार्ट में यूं नशीली दवा मिलवाई, क्योंकि आपको लगा कि हम सीधे प्रसाद सक्सेना है और हम चार्ट की प्लेट हमारे सामने यूं करके आएगी, चार्ट की सूंघ हमारे नाक में जाएगी और हम चार्ट खा जाएंगे क्योंकि चटोरे हैं। और हुआ भी यूं कि चार्ट की प्लेट हमारे सामने आई, चार्ट की सूंघ हमारे नाक में गई और हमने यूं उठाई और यूं करके खा गए क्योंकि हम तो चटोरे हैं, और हमने फिर से एक और बाइट लिया और एक और खा लिया क्योंकि हम तो चटोरे हैं। डॉक्टर डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रही है, कोई दवाई दो प्लीज। दवाई दवाई लेकर आता हूँ, दवाई कुछ तो बताइए प्लीज। हमको सिर्फ बीमार करना आता है, ठीक करना नहीं आता है, हम डॉक्टर साहब लेकर आते हैं। हेलो। अरे यार गोपी, यू नो आई लव यू, प्लीज मेरे को दवाई दे दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज। मैं इमली ज्यादा खा गया, मेरा गला खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाना है। यू नो आई लव यू। अरे यार मुझे दवाई दे दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है यार। सर मैं तो भूल गया, आज मेरे बेटा बुलबुल है ना, उसके स्कूल में पेरेंट्स डे, मुझे वहां जाना है, सॉरी सर, गुड बाय। ओके कोकी प्लीज मेरे लिए दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आई विल बाय यू अ टॉफी। नहीं, क्योंकि आपने मैडम के साथ ऐसा, इसीलिए भगवान ने दिया जैसे को तैसा। You're fired! निकल जाओ काम से। मिठड़ाला सारे चले गए, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज हमारी मदद करिए, हमारे पेट में बहुत दर्द। क्यों? ना ताकि तू फिर से पलटी मार ले। जी नहीं, इस बारी हम कसम खाते हैं कि पेट के प्रेशर में आके हम आपसे जरूर शादी करेंगे। अरे कोई जरूरत ना हो रही, हमारा मूड चेंज हो गया है। और तू घना चटोरा हो रहा है ना, तो इफ तू मुंह में ठूस ले चाट और पकड़ ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।